और आप देखिए, गरीबी में मानता हूं कि स्वर्ण में भी है, दलितों में भी है, पिछड़ों में भी है, हर जाति में है, हर समाज में है। हम किसी का यहां विरोध नहीं कर रहे, हम तो बस अपना अधिकार मानना चाहते हैं। आप देखिएगा, एक बात समझाइए, मोदी जी कौन इनको पढ़ाता लिखाता है हम तो समझे नहीं, लेकिन अनपढ़ लोग भी ये समझ जाएगा कि भैया 8 लाख रुपया सालाना जो कमाता है वो गरीब नहीं हो सकता। 5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो गरीब नहीं हो सकता। आप समझिए, यानी जो 8 लाख रुपया, यानी अगर महीना में उसकी कमाई बताओ 66,666 रुपए जो महीना कमाता हो, गरीब है क्या? बताइए, आवाज दिया है? जो महीना में 66,666 रुपया जो कमाता है वो गरीब है क्या? तो 5,000 कमाने वाला, 3,000 कमाने वाला वो क्या है, बताइए? और हम लोगों को बोलता कि हम लोग जो है स्वर्ण का विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण आरक्षण का। अरे ये तो आप समझिए कि सामान्य आरक्षण वर्गों के लिए है, और हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये झुंझुंडा, ये जो दिखाया जाता है स्वर्ण गरीब के लिए है, ये स्वर्ण गरीब के लिए नहीं है, ये स्वर्ण अमीरों के लिए आरक्षण दिया गया है। हम लोग तो स्वर्ण गरीबों का साथ देने का काम किए हैं। आप बताओ, 5 एकड़ समझिए कि 8 बीघा जिसके पास जमीन है वो गरीब है, तो जो भूमिहीन है, जो रोड पर रहता है वो क्या है भाई? आप बताइए, तो आरक्षण किसको दे रहे हो आप? ये उल्लू बना रहे हैं फिर से जुमलेबाजी। अभी आप देखिएगा, ये लोग कहते थे मेरिट मेरिट। हम लोग जब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे तो बोलते थे कि मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए था, ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, मेरिट की बात को भूल गए, मेरिट खत्म हो गया? तो अब आ गए हैं, हम इतना ही पूछ रहा था, या तो आप मानिए आप सबसे ज्यादा जातिवादी हैं, इसलिए क्योंकि आप दलित और पिछड़े प्रतिभाशाली नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या तो आप अपने आप को जो है सबसे ज्यादा आरक्षण का सबसे बड़ा अधिकारी समझने का काम करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसलिए इन लोगों की जो दोहरी नीति है, जो दोहरा चरित्र है, इसको हम लोगों को जवाब देने का काम करना है। अब बीच बीच में मीडिया के लोग भी हैं, रघुवंश जी और हम लोगों का क्या तोड़ मोड़ का बयान दिखा देता है, उल्टा सीधा चलाते रहता है। इसलिए हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग बस अपना अधिकार मांगने का काम कर रहे हैं। आप समझिए, मंडल कमीशन, ये आंकड़ा आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए अगर आप लोग लड़ाई लड़ना चाहते हो तो। मंडल कमीशन में 1931 में सर्वे हुआ, 1931 में सर्वे हुआ, जिसके आधार पर उसमें जब जनगणना हुई तो 52% जो ओबीसी का था, उसमें से मंडल कमीशन में जो है 27% जो है रिजर्वेशन देने का काम किया गया। मंडल कमीशन बैठी थी, जनगणना हुई 31 में, मंडल कमीशन बना 1978 में, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया 1980 में, लागू होने की घोषणा हुई 1990 में, लागू हुआ 93 में, यानी और उच्च शिक्षण स्थानों में तो 2008 में आरक्षण मिला जाकर के। तो आप समझ जाइए कितने खून बहे थे मंडल कमीशन जब लागू होने जा रहा था। तो ये जो आरक्षण जो दिया गया है, मेरा सवाल है कि किस आधार पर, कौन से
आयोग के आधार पर, कौन से सर्वेक्षण के आधार पर, या कौन से आंदोलन के आधार पर, या कौन किसने मांग की थी जो आप लोगों ने आरक्षण देने का काम किया? ये केवल 72 घंटे में, केवल 72 घंटे में हो गया बिना कोई आधार के? तो आप समझिए, हमारी जो मांग है वो दो मांगे हैं, आप लोग सब लोग जानिए। दो मांगों में से सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि 1931 में आधार पर एससी एसटी ओबीसी जो मंडल कमीशन बना, जब जनगणना हुई उसके आधार पर आरक्षण बढ़ा। कब बना सर्वेक्षण हुआ? 1931 में। आज क्या है? 19 है। आप लोग समझिए, इतने साल हो गए। 1931 में एससी एसटी की जो आबादी थी उसके तहत जो 22% जो था वो दिया गया था, सारे 22%। आज तो उनकी आबादी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो हम तो चाहते हैं अब पूरे दमखम के साथ, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दलित या आदिवासी भाई हैं उनका भी आरक्षण बढ़ाने का काम हो, क्योंकि 50% का बैरियर टूट चुका है। 50% का बैरियर टूट गया है, तो उसी आधार पर हम चाहते हैं कि जो पिछड़ों की जितनी आबादी है, क्योंकि पिछड़ों का भी आबादी बढ़ा है 1931 के बाद, उनका भी आरक्षण बढ़ना चाहिए, क्योंकि 50% का बैरियर टूटने का काम किया है। और पूरे खास तौर पर अति पिछड़ों भाइयों के लिए हमारी मांग रहेगी कि 40% आरक्षण देने का काम करें, क्योंकि गरीबी है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके इसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप लोग देखिएगा, दूसरी हमारी जो मांग थी वो हमने आप लोगों को बताने का काम किया। एक तीसरी हमारी मांग है, आप लोग नहीं जानते होंगे, आज तक अभी तक जितने भी निजी क्षेत्र थे किसी का आरक्षण नहीं था, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, लेकिन इस वाले आरक्षण में 10% स्वर्ण गरीबों के नाम पर, कहते गरीब है लेकिन स्वर्ण अमीरों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने का काम किया है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि निजी क्षेत्र में भी जो है होना चाहिए आरक्षण, और नया जातीय जनगणना कराए ताकि पता चले कि किसकी जनसंख्या है। पता चलना चाहिए, पेड़ों की गिनती होती है, बाघों की गिनती होती है, बकरियों की गिनती होती है, गायों की गिनती होती है, तो कौन कितना समाज में कितना गरीब है, कौन जातीय का गरीब है, उसकी भी गिनती मनुष्यों का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब पता ना चल जाएगा कि कौन कितना किस जाति में गरीब है। उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान करके उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। लेकिन आरक्षण क्यों मिला? ये कोई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आरक्षण नहीं मिला, ये जो सदियों से भेदभाव चलता रहा है, जो वन व्यवस्था थी उसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, भागीदारी के लिए ये आरक्षण का बाबा साहब ने प्रावधान करने का काम किया था। ये आर्थिक रूप से कोई मनरेगा योजना नहीं ना है कि आपके जो इनकम है उसको बढ़ाने का काम करे, कोई मनरेगा योजना नहीं है, इंदिरा आवास योजना नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग यहां उपस्थित है, हम लोग यही चाहते हैं कि जो नारा जो लगा था समाजवादी नेता, हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ने के समय क्या नारा लगाया गया था? समाजवादियों ने बांधी है गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आज आप सब लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आज इस मौके पर हमारी पार्टी, हम सब लोग
आदरणीय लालू जी के आदेश पर ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उसलिए आप लोग सब लोगों को इसमें आप साथ मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करना है। मेरा मानना है कि कितनी बेरोजगारी है, कितने नौजवान यहाँ बेरोजगार है, हाथ उठाए, कितने नौजवान बेरोजगार है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक आरक्षण नहीं बढ़ेगा, तब तक आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर रोजगार चाहिए तो आरक्षण के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, नहीं तो ये नागपुरिया कानून संविधान के जगह पे लागू करके समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग नारे के साथ, आंदोलन के साथ, हमारा आंदोलन का नाम होगा बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे पीछे कहें, हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप लोग बोलेंगे आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जातीय जनगणना करवाने का भी जो हम लोगों का मांग है वो भी होना चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल बिहार की जनता के लिए हम लोग ये पूछना चाहे कहना चाहते हैं बिहार की जनता से, जितने भी पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित भाई हैं, जितने भी आप लोग सब लोग हो, बीजेपी ने आपको ठग करके वोट लेने का काम किया, क्योंकि आपके वोट का वो वैल्यू नहीं करने का काम करते हैं आप लोगों की वोटों का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जितने भी सांसद हैं मौजूदा लोकसभा में बिहार से, चाहे पिछड़े दलित जो भी सांसद हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, आप जरूर उनसे सवाल करने का काम कीजिएगा, किसी के विरोध में नहीं, लेकिन आप उनसे यह जरूर पूछना कि उन्होंने आपके लिए पार्लियामेंट में कुछ बोला क्यों नहीं। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर, या ये जो तरीका जो लाया गया स्वर्ण गरीब को नाम दे करके स्वर्ण अमीरों को जो देने का काम किया, उस पे इन्होंने विरोध करने का काम क्यों नहीं किया। ये आप लोग हर एक अपने सांसद से, चाहे कोई भी दल के हो, उनसे आप लोग जरूर ये पूछने का काम कीजिएगा। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते, एक मिनट, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लालू जी, तेज प्रताप जी यहां मौजूद हैं, बड़े भाई हैं, पैर छू करके हमने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया, हमको अपना अर्जुन मानते हैं, आप समझिए, अर्जुन मानते हैं तो नीतीश चाचा मछलियां बंद करा दी, मछलियां गायब करा दी है। अभी मुकेश सहनी जी वहां बोरिंग रोड में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो तेज प्रताप जी ने जो ऐलान किया है आंदोलन का, एलपी मूवमेंट का, हम आपको बताना चाहेंगे कि लालू जी और सामाजिक न्याय एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए सामाजिक न्याय और लालू जी का जो आंदोलन है वो साथ साथ मिलकर के चलने का काम करेगा, और इस आंदोलन का नाम होगा बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देने का काम करते हैं, और आप सब लोगों को प्रणाम करने का काम करते हैं, तो हाथ उठा करके अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आशीर्वाद बाजा कड़े के बा, लड़े के बा, जीते के बा, आशीर्वाद बाजा। आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और आप देखिए, गरीबी में मानता हूं कि स्वर्णों में भी है, दलितों में भी है, पिछड़ों में भी है, हर जाति में है, हर समाज में है। हम किसी का यह विरोध नहीं कर रहे, हम तो बस अपना अधिकार मानना चाहते हैं। आप देखिएगा, एक बात समझाइए,
मोदी जी कौन इनको पढ़ाता लिखाता है हम तो समझे नहीं, लेकिन अनपढ़ लोग भी ये समझ जाएगा कि भैया 8 लाख रुपया सालाना जो कमाता है वो गरीब नहीं हो सकता। 5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो गरीब नहीं हो सकता। आप समझिए, यानी जो 8 लाख रुपया, यानी अगर महीना में उसकी कमाई बताओ 66,666 रुपए जो महीना कमाता है वो गरीब है क्या? बताइए, आवाज लिया है, जो महीना में 66,666 रुपया जो कमाता है वो गरीब है क्या? तो 5,000 कमाने वाला, 3,000 कमाने वाला वो क्या है बताइए? और हम लोगों को बोलता कि हम लोग जो है स्वर्ण का विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण आरक्षण का। अरे ये तो आप समझिए कि सामान्य आरक्षण वर्गों के लिए है, और हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये झुंझुंडा ये जो दिखाया जाता है स्वर्ण गरीब के लिए है, ये स्वर्ण गरीब के लिए नहीं है, ये स्वर्ण अमीरों के लिए आरक्षण दिया गया है। हम लोग तो स्वर्ण गरीबों का साथ देने का काम किए हैं। आप बताओ, 5 एकड़ समझिए कि 8 बीघा जिसके पास जमीन है वो गरीब है, तो जो भूमिहीन है जो रोड पर रहता है वो क्या है भाई? आप बताइए, तो आरक्षण किसको दे रहे हो आप? ये उल्लू बना रहे हैं फिर से जुमलेबाजी। अभी आप देखिएगा, ये लोग कहते थे मेरिट मेरिट। हम लोग जब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे तो बोलते थे कि मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए था। ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? मेरिट की बात को भूल गए? मेरिट खत्म हो गया? तो अब आ गए हैं, हम इतना ही पूछ रहा था। या तो आप मानिए आप सबसे ज्यादा जातिवादी हैं, इसलिए क्योंकि आप दलित और पिछड़े प्रतिभाशाली नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। या तो आप अपने आप को जो है सबसे ज्यादा आरक्षण का सबसे बड़ा अधिकारी समझने का काम करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसलिए इन लोगों की जो दोहरी नीति है, जो दोहरा चरित्र है, इसको हम लोगों को जवाब देने का काम करना है। अब बीच बीच में मीडिया के लोग भी हैं, रघुवंश जी और हम लोगों का क्या तोड़ मोड़ का बयान दिखा देता है, उल्टा सीधा चलाते रहता है। इसलिए हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग बस अपना अधिकार मांगने का काम कर रहे हैं। आप समझिए, मंडल कमीशन, ये आंकड़ा आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए अगर आप लोग लड़ाई लड़ना चाहते हो तो। मंडल कमीशन में 1931 में सर्वे हुआ, 1931 में सर्वे हुआ, जिसके आधार पर उसमें जब जनगणना हुई तो 52% जो ओबीसी का था, उसमें से मंडल कमीशन में जो है 27% जो है रिजर्वेशन देने का काम किया गया। मंडल कमीशन बैठी थी, जनगणना हुई 31 में, मंडल कमीशन बना 1978 में, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया 1980 में, लागू होने की घोषणा हुई 1990 में, लागू हुआ 93 में, यानी और उच्च शिक्षण स्थानों में तो 2008 में आरक्षण मिला जाकर के। तो आप समझ जाइए कितने खून बहे थे मंडल कमीशन जब लागू होने जा रहा था। तो ये जो आरक्षण जो दिया गया है, मेरा सवाल है कि किस आधार पर, कौन से आयोग के आधार पर, कौन से सर्वेक्षण के आधार पर, या कौन से आंदोलन के आधार पर, या कौन किसने मांग की थी जो आप लोगों ने आरक्षण देने का काम किया? ये केवल 72 घंटे में हो गया बिना कोई आधार के? तो आप समझिए, हमारी जो मांग है वो दो मांगे हैं, आप लोग सब लोग जानिए। दो मांगों में से सबसे पहले
हम बताना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि 1931 में आधार पर एससी एसटी ओबीसी जो मंडल कमीशन बना, जब जनगणना हुई उसके आधार पर आरक्षण बढ़ा। कब बना? सर्वेक्षण हुआ 1931 में। आज क्या है? 19 है। आप लोग समझे, इतने साल हो गए। 1931 में एससी एसटी की जो आबादी थी उसके तहत जो 22% जो था वो दिया गया था, सारे 22%। आज तो उनकी आबादी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो हम तो चाहते हैं अब पूरे दमखम के साथ हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दलित या आदिवासी भाई हैं उनका भी आरक्षण बढ़ाने का काम हो, क्योंकि 50% का बैरियर टूट चुका है। 50% का बैरियर टूट गया है। तो उसी आधार पर हम चाहते हैं कि जो पिछड़ों की जितनी आबादी है, क्योंकि पिछड़ों का भी आबादी बढ़ा है 1931 के बाद, उनका भी आरक्षण बढ़ना चाहिए, क्योंकि 50% का बैरियर टूटने का काम किया है। और पूरे खास तौर पर अति पिछड़ों भाइयों के लिए हमारी मांग रहेगी कि 40% आरक्षण देने का काम करें, क्योंकि गरीबी है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके इसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप लोग देखिएगा, दूसरी हमारी जो मांग थी वो हमने आप लोगों को बताने का काम किया। एक तीसरी हमारी मांग है, आप लोग नहीं जानते होंगे, आज तक अभी तक जितने भी निजी क्षेत्र थे किसी का आरक्षण नहीं था, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, लेकिन इस वाले आरक्षण में 10% स्वर्ण गरीबों के नाम पर, कहते गरीब है लेकिन स्वर्ण अमीरों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने का काम किया है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि निजी क्षेत्र में भी जो है होना चाहिए आरक्षण, और नया जातीय जनगणना कराए ताकि पता चले कि किसकी जनसंख्या है। पता चलना चाहिए, पेड़ों की गिनती होती है, बाघों की गिनती होती है, बकरियों की गिनती होती है, गायों की गिनती होती है, तो कौन कितना समाज में कितना गरीब है, कौन जातीय का गरीब है, उसकी भी गिनती मनुष्यों का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब पता ना चल जाएगा कि कौन कितना किस जाति में गरीब है। उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान करके उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। लेकिन आरक्षण क्यों मिला? ये कोई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आरक्षण नहीं मिला। ये जो सदियों से भेदभाव चलता रहा है, जो वन व्यवस्था थी उसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, भागीदारी के लिए ये आरक्षण का बाबा साहब ने प्रावधान करने का काम किया था। ये आर्थिक रूप से कोई मनरेगा योजना नहीं ना है कि आपके जो इनकम है उसको बढ़ाने का काम करे। कोई मनरेगा योजना नहीं है, इंदिरा आवास योजना नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग यहां उपस्थित है, हम लोग यही चाहते हैं कि जो नारा जो लगा था समाजवादी नेता, हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ने के समय क्या नारा लगाया गया था? समाजवादियों ने बांधी है गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आज आप सब लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आज इस मौके पर हमारी पार्टी, हम सब लोग आदरणीय लालू जी के आदेश पर ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सब लोगों को इसमें आप साथ मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करना है। मेरा मानना है कि कितनी बेरोजगारी है, कितने नौजवान यहाँ बेरोजगार है, हाथ उठाए, कितने नौजवान बेरोजगार है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा,
जब तक आरक्षण नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर रोजगार चाहिए तो आरक्षण के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, नहीं तो ये नागपुरिया कानून संविधान के जगह पे लागू करके समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग नारे के साथ, आंदोलन के साथ, हमारा आंदोलन का नाम होगा बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे पीछे कहें, हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप लोग बोलेंगे आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जातीय जनगणना करवाने का भी जो हम लोगों का मांग है वो भी होना चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल बिहार की जनता के लिए हम लोग ये पूछना चाहे कहना चाहते हैं बिहार की जनता से, जितने भी पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित भाई हैं, जितने भी आप लोग सब लोग हो, बीजेपी ने आपको ठग करके वोट लेने का काम किया क्योंकि आपके वोट का वो वैल्यू नहीं करने का काम करते हैं आप लोगों की वोटों का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जितने भी सांसद हैं मौजूदा लोकसभा में बिहार से, चाहे पिछड़े दलित जो भी सांसद हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, आप जरूर उनसे सवाल करने का काम कीजिएगा, किसी के विरोध में नहीं, लेकिन आप उनसे यह जरूर पूछना कि उन्होंने आपके लिए पार्लियामेंट में कुछ बोला क्यों नहीं। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर, या ये जो तरीका जो लाया गया स्वर्ण गरीब को नाम दे करके स्वर्ण अमीरों को जो देने का काम किया, उस पे इन्होंने विरोध करने का काम क्यों नहीं किया, ये आप लोग हर एक अपने सांसद से, चाहे कोई भी दल के हो, उनसे आप लोग जरूर ये पूछने का काम कीजिएगा। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते, एक मिनट, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लालू जी, तेज प्रताप जी यहां मौजूद हैं, बड़े भाई हैं, पैर छू करके हमने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया, हमको अपना अर्जुन मानते हैं, आप समझिए, अर्जुन मानते हैं तो नीतीश चाचा मछलियां बंद करा दी, मछलियां गायब करा दी है, अभी मुकेश सहनी जी वहां बोरिंग रोड में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो तेज प्रताप जी ने जो ऐलान किया है आंदोलन का, एलपी मूवमेंट का, हम आपको बताना चाहेंगे कि लालू जी और सामाजिक न्याय एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए सामाजिक न्याय और लालू जी का जो आंदोलन है वो साथ साथ मिलकर के चलने का काम करेगा, और इस आंदोलन का नाम होगा बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देने का काम करते हैं, और आप सब लोगों को प्रणाम करने का काम करते हैं, तो हाथ उठा करके अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आशीर्वाद बाजा, कड़े के बा, लड़े के बा, जीते के बा, आशीर्वाद बाजा। आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और आप देखिए, गरीबी में मानता हूं कि स्वर्णों में भी है, दलितों में भी है, पिछड़ों में भी है, हर जाति में है, हर समाज में है। हम किसी का यह विरोध नहीं कर रहे, हम तो बस अपना अधिकार मानना चाहते हैं। आप देखिएगा, एक बात समझाइए, मोदी जी कौन इनको पढ़ाता लिखाता है हम तो समझे नहीं, लेकिन अनपढ़ लोग भी ये समझ जाएगा कि भैया 8 लाख रुपया सालाना जो कमाता है वो गरीब नहीं हो सकता, 5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो गरीब नहीं हो सकता, आप समझिए। यानी जो 8 लाख रुपया, यानी अगर महीना में उसकी कमाई बताओ 66,000
666 रुपए जो महीना कमाता है वो गरीब है क्या? बताइए आवाज दिया ना, जो महीना में